हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फॉर्म tiwari.net और आपका स्वागत है गूगल सर्च कंसोल सीरीज के पार्ट 8 में। इस पार्ट में हम बात करेंगे यूआरएल पैरामीटर्स के बारे में। पार्ट 7 में हमने क्रॉल स्टैट्स के बारे में बात की थी, जिसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सो यूआरएल पैरामीटर एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसको यूज करने के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ी देर बात करनी होगी कि यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं। यूआरएल पैरामीटर बेसिकली एक ही पेज के यूआरएल के अंदर डायनेमिक तरीके से सेट किए जाते हैं। यूआरएल पैरामीटर पेज के कंटेंट को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उसे डिफरेंट तरीके से दिखा जरूर सकते हैं या नहीं भी। यूआरएल पैरामीटर का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखने के लिए चलते हैं amazon.com या सही में कहें तो amazon.in पर। अगर आपको ई कॉमर्स SEO सीखना है तो Amazon वेबसाइट एक चलता फिरता कोर्स है। ये सिर्फ तुक्का नहीं है कि Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉम प्लेटफॉर्म है। क्या सो amazon.in पर हम सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं सर्च करता हूँ Xbox। नाउ अभी इस सर्च पेज के यूआरएल पर ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड सर्च यूआरएल है, लेकिन अभी मैं इस सॉर्ट बाय सेटिंग को फीचर्ड से हटाकर सेट करता हूँ प्राइस लो टू हाई और तुरंत ही यूआरएल चेंज हो जाता है, प्राइस डैश ASC डैश रैंक यूआरएल में ऐड हो जाता है, यानी कि प्राइस असेंडिंग रैंक। यूआरएल हिंट दे रहा है कि प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में रैंक किया जा रहा है पेज के कंटेंट के अंदर। पेज का कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो प्राइस के बढ़ते हुए फॉर्मेट में, क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से इस सॉर्टिंग ऑप्शन को हम चेंज करते हैं, प्राइस को हाई से लो पर सेट करते हैं और अब आप देखेंगे कि यूआरएल चेंज होकर प्राइस डैश DESC डैश रैंक हो जाता है। DESC मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से अगर सॉर्टिंग को रिव्यू पर सेट कर देते हैं तो यहां पर यूआरएल में असेंडिंग डिसेंडिंग हट जाता है और रिव्यू आ जाता है। सो आप यहां देखते हैं कि यूआरएल में चेंज होने पर पेज के कंटेंट में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लुक में और लेआउट में चेंज हो रहा है। इस टाइप के पैरामीटर को कहते हैं एक्टिव यूआरएल पैरामीटर। ये यूआरएल पैरामीटर का पहला टाइप है। और अब अगर एक्टिव यूआरएल पैरामीटर है तो पैसिव यूआरएल पैरामीटर भी होगा। जिस जिसने अपने मन में इनएक्टिव बोला था वो बेंच पर खड़ा हो जाए, आज मां सब मुर्गा नहीं बनाएंगे। सो पैसिव यूआरएल पैरामीटर बेसिकली वो होते हैं जिनके होने से पेज के लेआउट पर या सॉर्टिंग पर कोई असर नहीं होता है। इनका असल में किसी भी चीज पर कोई असर नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रैकिंग में काम आते हैं। लाइक अगर हम गूगल पर जाकर सर्च करें एक्सबॉक्स और सर्च रिजल्ट पेज में Amazon के ही एक ऐड पर क्लिक करें तो आप Amazon के पेज के URL पर देख सकते हैं कि Google शॉपिंग एड्स दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली Amazon के एनालिटिक्स को बताएगा कि हमारी ये विजिट Google पर एड शो करने की वजह से हुई थी। तो इस टाइप के URL पैरामीटर्स को यूजर को ट्रैक करने में यूज किया जाता है, बट ये पेज के कंटेंट में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं डालते हैं, इसलिए इन्हें पैसिव URL पैरामीटर कहा जाता है। तो एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं, URL पैरामीटर्स के दो टाइप होते हैं। एक्टिव पैरामीटर ये ऐसे पैरामीटर होते हैं जो पेज के लुक को चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके कंटेंट को चेंज नहीं करते हैं, और पैसिव यूआरएल पैरामीटर ये ऐसा पैरामीटर होते हैं जो पेज के कंटेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं लेकिन ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं। नाउ अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब ये दोनों टाइप के पैरामीटर पेज के कंटेंट पर कोई फर्क नहीं डालते हैं तो गूगल सर्च कंसोल में इसके लिए ऑप्शन क्यों दिया गया है और आपको इसको क्यों मैनेज करना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर है डुप्लीकेशन। अभी हमने एक्टिव यूआरएल पैरामीटर के एग्जांपल में जब amazon.in का सर्च पेज देखा तो हमने देखा कि नॉर्मल डायरेक्ट यूआरएल भी पेज में वही कंटेंट शो कर रहा है जो प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर वाले यूआरएल के होने पर शो होता है और जो प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर वाले यूआरएल के होने पर होता है, और या फिर यूआरएल टाइप में अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो भी जो पेज का यूआरएल है वो चेंज हो जाता है लेकिन कंटेंट एक ही रहता है। ये सारे के सारे यूआरएल अलग अलग हैं लेकिन कंटेंट एक ही शो कर रहे हैं। सो बेसिकली ये सारे एक दूसरे के डुप्लीकेट हो गए हैं और अब गूगल को नहीं पता कि इनमें से किसे रैंक करना है, किसे इंडेक्स करना है, किसे क्रॉल करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ओरिजिनल है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं यूआरएल पैरामीटर्स टूल। यूआरएल पैरामीटर टूल नए गूगल सर्च कंसोल के लीजेसी टूल एंड रिपोर्ट सेक्शन में पाया जाता है। क्लिक करिए इस लीजेसी टूल एंड रिपोर्ट सेक्शन पर और फिर इसमें यूआरएल पैरामीटर पर क्लिक करिए, और अगर आप डोमेन प्रॉपर्टी पर हैं तो आपको इस तरह का नोटिस मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि डोमेन प्रॉपर्टी क्या चीज है, ये क्या बला है, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो, प्रीक्वल वीडियो अभी तक नहीं देखा है, जिसमें हमने सर्च कंसोल में वेबसाइट को वेरीफाई करने के बारे में बात की थी।
So, अभी फिलहाल इस डिसमिस बटन पर क्लिक करते हैं और एक कोई URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं और फिर से लीजिए सी टूल्स पर आते हैं और URL पैरामीटर पर क्लिक करते हैं। टूल दूसरे पेज पर ओपन होगा। यहाँ आपको नोटिस मिल रहा है कि आपको इस टूल को बेहद ध्यान से यूज करना चाहिए, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, चल जाए तो खून निकल आता है। इसलिए इस वीडियो के शुरू होने से पहले हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया कि URL पैरामीटर्स क्या होते हैं उसको समझें ताकि आप उसे सही से यूज कर सकें जब आपको जरूरत हो तभी। सो अभी हम ऐड पैरामीटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस विंडो में हमें पैरामीटर ऐड करना है। पैरामीटर के अंदर की वैल्यू ऐड नहीं करनी है, सिर्फ पैरामीटर देना है। लाइक अगर पेज का URL है ये, तो इसमें सॉर्ट पैरामीटर है और प्राइस डैश असेंडिंग पैरामीटर की वैल्यू है। सो अभी हम सिर्फ सॉर्ट एंटर करेंगे यहां पर इस विंडो में और फिर ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करेंगे कि क्या इस पैरामीटर से पेज का कंटेंट चेंज होता है। अगर आपका पैरामीटर पैसिव है तो नो सेलेक्ट करिए, मतलब कि इस पैरामीटर से पेज का कंटेंट अफेक्ट नहीं होता है, और अगर एक्टिव है तो यस सेलेक्ट करिए। हम सबसे पहले यस सेलेक्ट करते हैं और अब गूगल पूछ रहा है कि पैरामीटर पेज के कंटेंट को कैसे अफेक्ट करता है। गूगल ड्रॉप डाउन में काफी सारे ऑप्शन देता है जैसे सॉर्टिंग, नैरोइंग, स्पेसिफाइंग, ट्रांसलेशन, पेजिनेशन एंड अदर्स। इनमें से कोई भी जो भी आपके पैरामीटर पर अप्लाई होता है उसे सेलेक्ट करिए और फिर नीचे सेलेक्ट करिए कि क्या सारे URLs को गूगल को क्रॉल करना चाहिए, सिर्फ कुछ खास URLs को क्रॉल करना चाहिए, किसी भी URL को नहीं क्रॉल करना चाहिए, या फिर आप गूगल बॉट को खुद डिसाइड करने देना चाहते हैं। ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करिए सेव बटन पर और आपका पैरामीटर यहाँ दिखाई देने लगेगा। एक बार पैसिव URL पैरामीटर भी लगाकर देखते हैं। फिर से क्लिक करते हैं ऐड पैरामीटर पर और यहाँ पैरामीटर में डमी वैल्यू डालते हैं कुछ भी और ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करते हैं नो। इसके साथ, इस ऑप्शन के साथ आपको कोई और दूसरा चॉइस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्लिक करना होगा सेव बटन पर और पैरामीटर सेव हो जाएगा। इस टेबल को आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड दिस टेबल बटन से, और अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो आप इन डिलीट बटन को यूज करके इनको पैरामीटर्स को डिलीट कर सकते हैं। सो ये था URL पैरामीटर टूल गूगल सर्च कॉन्सोल में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिंक्स या पॉपुलर टर्म बैकलिंक सेक्शन को गूगल सर्च कॉन्सोल में ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस 8th पार्ट ऑफ गूगल सर्च कॉन्सोल सीरीज विद मी। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।